देखिए बॉर्डर रोड्स, क्योंकि जो रीसेंट बर्फ़बारी 5 से लेकर 8 तारीख तक हुई, उसके दौरान बॉर्डर रोड्स हमारी तीनों क्लोज़ हो गई थी। सबसे पहले करना एरिया हमारी प्रायोरिटी रहती है बीकन अथॉरिटीज़ की तरफ से, तो संडे को हमारा जो व्हीकुलर ट्रैफिक है 10 तारीख को करना का बहाल हो गया था और बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। मच्छिल की रोड क्लियरेंस कल कंप्लीट हुई है, तो आज से जो व्हीकुलर ट्रैफिक है मच्छिल का वो भी रिस्टोर हो गया है। और जो थर्ड बॉर्डर एरिया है केरन का, उसके लिए स्नो क्लियरेंस आज चल रहा है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज शाम तक वो भी रोड क्लियर होगी, तो कल से जो है केरन की रोड पर भी जो व्हीकुलर ट्रैफिक है वो बहाल रहेगा। तीनों इलाकों में एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक पावर सप्लाई का ताल्लुक है, करना एरिया की पावर सप्लाई 8 तारीख को शाम को रिस्टोर हो गई थी और उसके बाद से जो सब्सिक्वेंट फीडर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, उनका काम भी रिप्लेसमेंट का मुकम्मल हो चुका है। केरन और मच्छिल एरियाज़ में अभी भी डीजी सेट्स के ज़रिए बिजली दी जा रही है, क्योंकि उनके रिसीविंग स्टेशंस तक पहुँच पाना और उनकी 33 KV की लाइन को रिस्टोर करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन कल शाम को हमारा जो 33 KV लाइन है केरन की, वो भी रिस्टोर हो गई है और जो उनकी इंटरनल लेवल के भी फीडर्स के ऊपर आज काम चल रहा है, तो कोशिश है कि कल तक केरन की भी जो नॉर्मल ग्रिड से बिजली है उसको रिस्टोर कर दिया जाए। और मच्छिल के अंदर जो इंसुलेटर रिप्लेसमेंट का काम चल रहा है, तो उसके अंदर कुछ दिन लग सकते हैं फुल जो ग्रिड कनेक्टिविटी को रिस्टोर करने के लिए। ये पानी के लिहाज से पहले बात करूंगा, 212 वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसके अंदर 204 जो हैं वो फुल्ली फंक्शनल हैं। 8 सप्लाई स्कीम्स के अंदर कुछ कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जिसके लिए हमारी टीम्स रेस्टोरेशन का काम कर रही हैं। कहीं कहीं लिफ्ट स्कीम्स में भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी। हाउएवर SDRF की तरफ से हमने भी इधर से सप्लीमेंट किया है PHE के रिसोर्सेज को, और टैंकर सप्लाई उन इलाकों में पहुंचाई जा रही है जहां पर स्कीम्स की कुछ दिक्कत आ रही है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले 2-3 दिनों में जो बाकी वाली वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं उनको फंक्शनल कर दिया जाएगा। पावर के लिहाज से हमारे सभी के सभी 77 11 KV फीडर्स ऑन हैं, चार्ज हैं और चल रहे हैं, और जो एडिक्वेट बफर स्टॉक है वो भी हमारे पास मौजूद है। पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 45 जो डैमेज ट्रांसफार्मर्स थे उनको रिप्लेस कर दिया गया है और 9 पावर जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनको अपग्रेड किया गया है लोगों की डिमांड के ऊपर। और जो BDC चेयरपर्सन हैं और जो नए इलेक्टेड DDC मेंबर्स हैं, उनके साथ कंटिन्यूस फीडबैक में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है ऑगमेंटेशन की, वहाँ वहाँ वो ऑगमेंटेशन की जा रही है।